उत्तर प्रदेश के गोसाईपुर में अमित शाह ने जनसभा संबोधित किया। 4 जून को परिणाम आने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, ये अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। 4 जून को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे, हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, हार का ठीकरा भी खड़गे साहब पर फूटेगा। और दरअसल उत्तर प्रदेश के गोसाईपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इन तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 भी देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। भाइयों बहनों, ये लड़ाई की तो पूर्वांचल को साधने की कोशिश लगातार दिक्कत करते हुए, क्योंकि 1 तारीख को यूपी में जिन 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है वो तमाम सीट यूपी के पूर्वांचल में ही स्थित है और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज यहां पर हुंकार भर रहे हैं और निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी है।